सूर्य संजू सैमसन की आंधी में उड़ी बांग्लादेश। टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में किया सुपड़ा साफ। भारतीय खिलाड़ियों ने बांग्लादेश को दिखाए तारे। 3-0 से भारत ने अपने नाम की टी20 सीरीज। हैदराबाद में आई छक्के चौकों की सुनामी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं मिली छिपने की जगह। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए टी20 सीरीज में बांग्लादेश का सुपड़ा साफ कर दिया। शुरुआती दो मैचों में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन तीसरे और आखिरी मुकाबले में तो उसने बांग्लादेश की धज्जियां ही उड़ा दी। हैदराबाद में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से ही बांग्लादेश की हार तय कर दी थी। संजू सैमसन के सिर्फ 40 गेंदों में जमाए गए रिकॉर्ड तोड़ शतक और बाकी बल्लेबाजों की तूफानी पारियों के दम पर टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 297 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। बांग्लादेश कभी भी इस स्कोर तक पहुंचने की स्थिति में नहीं दिखाई और 133 रन के बड़े अंतर से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत टेस्ट सीरीज के बाद टी20 सीरीज में बांग्लादेश का 3-0 से सुपड़ा साफ कर चुका है। भारत ने हैदराबाद में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के सामने जीत के लिए टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर 298 रन सेट कर दिया। इस लक्ष्य को भेद पाना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होने वाला था, ये बांग्लादेशी बल्लेबाज भी भली भांति जानते थे। भारत की ओर से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए अंक यादव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैनी मोय को 0 रन के स्कोर पर चलता कर दिया। उसके बाद तंजीद हसन 15 रनों पर चलते बने, वही कप्तान नजमल हुसैन शांतो भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। रवि बिश्नोई ने बांग्लादेशी कप्तान का 14 रनों के स्कोर पर ही बोरिया बिस्तरा समेट दिया। हालांकि मध्यक्रम में तौहीद हर दिए और विकेट कीपर बल्लेबाज लटेन दास ने बांग्लादेश की पारी को संभालने का काम किया, लेकिन लक्ष्य बड़ा था। डॉट गेंद के चलते प्रेशर बढ़ता चला गया। आक्रामक बल्लेबाजी के चक्कर में लटेन दास भी 42 रन बना पाए, जबकि तौहीद हरदे ने 63 रनों की पारी खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। बता दें कि बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 164 रन ही बना पाई और भारत ने 133 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। भारत ने टी20 प्रारूप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 297 रन खड़े कर दिए। इससे पहले साल 2023 में नेपाल और मंगोलिया के बीच मुकाबले में 314 रन बने थे। भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 111 रन बनाए, तो कप्तान सूर्य कुमार यादव कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी 35 गेंदों पर 75 रन ठोक डाले। वहीं अंत में भारत की पारी को फाइनल टच देने आए हार्दिक पांड्या और रिहान प्राग ने भी अपने तेवर दिखाए। पांडे ने 18 गेंदों में 47 रन, वहीं रियान प्राग ने 13 गेंदों में 34 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अभिषेक मात्र से बल्लेबाज रहे जो 4 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। भारत ने तीसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 137 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले खेलते हुए रिकॉर्ड 297 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में बांग्लादेश 164 रन ही बना पाई। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में बांग्लादेश का 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और